Good morning, students. Today we are going to start our chapter 2, exercise 6. In this, you have to observe the patterns and then fill the blanks. First one is given to you, 1 multiplied by 1 is equals to 1. 11 multiplied by 11 is given to you, 121. Then 111 multiplied by 111 is given to you, 12,321. अब इसमें हमें पैटर्न चेक करना है कि क्या पैटर्न आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें फिल करना है. फर्स्ट यहाँ वन है, वन यहाँ वन आ गया. यहाँ कितने वन है? टू टाइम्स वन है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू वन टू और फिर रिवर्स काउंटिंग देन वन. सेम यहाँ पर थ्री वन्स है, तो वन टू थ्री, थ्री को स्किप करना है, उसके बाद फिर हमें फिर से रिवर्स काउंटिंग करनी है, दैट इज टू एंड वन. अब यहाँ पर कितने हैं? वन टू थ्री फोर, फोर वंस हैं. दैट मीन्स हम कहाँ तक जाएंगे काउंटिंग में? टिक फोर, वन टू थ्री फोर. अब फोर को स्किप करना है और रिवर्स काउंटिंग, दैट इज बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, दैट विल बी थ्री टू वन. सेम यहाँ, यहाँ पर हमारे फाइव टाइम्स वन है, तो विल गो टिल वन टू थ्री फोर फाइव, देन फोर थ्री टू वन. दिस इज योर क्वेश्चन वन. Now question 2. In this question, 7 multiplied by 2 minus 3 is given to you 11. 7 multiplied by 3 minus 6 is given to you 15. 7 multiplied by 4 minus 9 is equals to 19. 7 multiplied by 5 minus 12 is equals to 23. And same way you have to write next four steps. So यहाँ पर देखो, यहाँ first way तो हमारा seven ही चल रहा है, यहाँ पर हमारा counting चल रही है two three four five. That means यहाँ तो हमारा seven ही आएगा and next will be your six. Then यहाँ पर अगर हम check करें तो minus के बाद हमारी three की table है. Three, three ones are three, three twos are six, three threes are nine, three fours are 12. यहाँ आएगा थ्री फाइव सा 15. अब चेक करना है आंसर में किस अकॉर्डिंग आ रहा है. फर्स्ट है 11, देन है 15. चेक द गैप बिटवीन दैम. व्हाट इज द गैप बिटवीन दैम? 11 और 15 के बीच में फोर स्टेप्स का गैप है. सेम इसी तरह से 15 और 19 में फोर का गैप है, देन 19 और 23 में फोर का गैप है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करूं तो 23 के बाद क्या आएगा फोर के गैप के साथ? 27. Then next one, 7 into 7 minus 18 is equal to what? 31. 7 multiplied by 8 minus then 21 is equals to 35. Then 7 multiplied by 9 minus 24 is equals to 39. These are your four steps which you have to write. Same way you have to do your question 3rd and question 4. You have to observe the pattern and then write the steps what it is given in your book.